हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी आप सभी का दी कॉम्पिटिटिव में स्वागत करती हूँ। आज है 11 तारीख। 11 तारीख से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? तो ये भारत का है। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में 3rd नंबर पर कार्बन का उत्सर्जन करने वाला राज्य है, देश है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे अधिक हमारे ही देश में होता है। तो हमारे देश की सरकार ने और रेलवे विभाग ने ये निर्णय लिया है कि 2030 तक हमें कार्बन के उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा कमी करनी है। तो इसलिए जो हरित रेलवे नेटवर्क है वो भारत सरकार के द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है और 2030 तक इस पर पूर्णतः कार्य कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो 2021 EIU ग्लोबल लिबिलिटी रैंकिंग की में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो ये ऑकलैंड को किया गया है। अब बात आती है कि इसे रहने योग्य शहर क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते हुए पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं, हर देश की बात करूंगी इसमें, तो हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण लोग कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन जो ऑकलैंड है वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ पर जैसे 2019 से में ज़िंदगी जी जाती थी, मतलब कि कोरोना से पहले जो ज़िंदगी जी जाती थी वैसी ज़िंदगी वहाँ के लोग जी सकते हैं आराम से, विदाउट मास्क, जो चीज़ वो पहले करते थे वो अब भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस भी लागू की है। ऐसा नहीं है वो कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हर चीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी अब नॉर्मल हो गई है। इसलिए 2021 की जो EIU की लिस्ट आई है उसमें ऑकलैंड को रहने योग्य देश घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि EIU है क्या चीज़। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रैंकिंग आती है जो ग्लोबल लिबिलिटी के लिए रहती है, ये उसकी लिस्ट है। EIU से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि EIU की स्थापना कब हुई थी। तो EIU की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो ये फैक्ट्स इसके बारे में याद हमें रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंग्यून 4B प्रक्षेपित किया है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि चाइना के द्वारा किया गया है। चाइना ने मौसम विभाग से संबंधित जानकारियां पाने के लिए और उसे कोई भी मौसम से जुड़ी हुई अपडेट हो उसे बहुत जल्दी पा सके, इसके लिए उसने ये उपग्रह लॉन्च किया है। अब इससे एक क्वेश्चन ये और बनता है कि ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि एग्जाम में उपग्रह के नाम के साथ साथ उसके रॉकेट का नाम भी पूछा जाता है। तो इसे Mars 3B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है, Mars 3B रॉकेट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर, बहुत बड़े डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। तो वहाँ के साइंटिस्टों का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़े डायनासोर के जीवाश्म है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मंजिला हुआ हो, अगर वो सही है तो 2 मंजिल की समथिंग हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं तो हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश ने किया है। तो किस स्कोर के साथ इसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने इसमें 64.1 के स्कोर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो एनीमिया की जो सूचकांक की लिस्ट जारी हुई है इसमें 1st, 2nd, 3rd हमें ये तीनों रैंक पता होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश ही है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा ने 59 स्कोर किया है, वहीं हिमाचल प्रदेश ने 57.1% स्कोर किया है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में जानने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क
देश में सिर्फ दो ही जगह हैं, एक मध्य प्रदेश है और एक अंडमान निकोबार में, ये दोनों बराबरी पे हैं अभी, क्योंकि यहाँ दोनों जगह ही नोनों नेशनल पार्क हैं और दूसरे स्थान पर अब असम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं तो, देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन रहा है, तो ये असम का बन रहा है। असम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान का ही मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। और असम की बात करूँ तो असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के CM है हेमंत विश्वा, असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। और अभी असम पर नेशनल पार्क्स पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, वहाँ नेशनल पार्क्स 7वां नेशनल पार्क तैयार हो रहा है और कुछ दिन पहले 6ठा तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर कौन है। पहली बात तो ये आ जाती है कि जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी होती है ये 1 साल पहले ही जारी कर दी जाती है, तो 2021 में 2022 की लॉन्च की गई है। इसमें MIT शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं, हाल ही में चल रहे इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये अंडमान सी में हुई है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ये किन दो देशों के बीच में चल रहा है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में चल रहा है और संवित गश्ती जो है NDO थाई कॉर्पोरेट, अब इस अभ्यास का नाम है और इस अभ्यास की ये 31वां संस्करण है। और अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ये कितनी तारीख से शुरू हुआ था, तो ये 9 जून 2021 से शुरू हुआ है और कॉर्पोरेट अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच 2005 से शुरू हुआ था। हर 2 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय जो सेनाएं हैं वे दोनों सीमा रेखा पर इसे आयोजित करती हैं और भारत की नौसेना और थाईलैंड की रॉयल नौसेना के बीच में ये अभ्यास किया जाता है करती हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स काफ़ी हैं, हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ही है और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड है आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत वीडियो देख सके। और रही बात आज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो और PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।